बच्चों लोग आज हम लोग सीखेंगे इवन ऑड मिक्सिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पांच क्वेश्चन देख सकते हो, पांच क्वेश्चन में मैंने जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन में पावर इवन भी है ऑड भी है, इवन भी है ऑड भी है, इवन नहीं ऑड इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, मतलब इवन ऑड के क्वेश्चन मिक्सिंग मिलेंगे साइन एंड कॉस के अंदर, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आओ चेक करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। आपके पास जब भी क्वेश्चन ऑड और इवन के मिक्सिंग क्वेश्चन मिल जाए तो आप हमेशा लेट करोगे भाई जो पावर इवन रखता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स में सब मेरे पास यहां पर इवन नंबर है तो आपको लेट करना पड़ेगा साइन एक्स को वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स डीवाई बाई डी एक्स, और डीएक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग डीवाई बटे में कॉस एक्स। चलो साइन एक्स को आपने वाई माना तो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, डीएक्स की वैल्यू पुट करोगे तो डीवाई बाई कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई के पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी। चलो वाई की वैल्यू को पुट कर दो तो वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है साइन एक्स, तो कितनी हो जाएगी साइन क्यू एक्स बाई थ्री प्लस सी। तो जब भी हमारे पास एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड हो तो हमेशा आप इवन नंबर वाले को वाई मानना। एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और आपको ट्राई करके दिखा रहे हैं, ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं। साइन के पावर फोर एक्स है, कॉस के पावर फाइव एक्स है, चलिए तो इसमें किसको लेट करेंगे भाई, यस गुड, यहां पर हम लोग करेंगे साइन एक्स को वाई लेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका इवन नंबर पावर है। डिफरेंशिएट करोगे बच्चे लोग तो कॉस एक्स, और यहां हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, डीएक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो डीवाई बटे में कॉस एक्स। चलिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपने साइन एक्स को माने हैं वाई तो ये वाई के पावर फोर हो गया, कॉस के पावर फाइव को आपने कुछ भी नहीं माना छोड़ दीजिए, और डीएक्स की वैल्यू डीवाई बटे में कॉस एक्स लिख दो और एक कॉस कैंसिल कर दो, ये कॉस के पावर फोर हो गया एक्स, लेकिन हमारा तो डीवाई के फॉर्म में चाहिए ना आंसर, वाई के टर्म में चाहिए, तो पावर फोर को स्क्वायर का तो स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर टू के पावर टू कर सकते हो ना, यानी यहाँ पर पावर टू यानी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब वन माइनस साइन एक्स को माने वाई तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी वन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, होल स्क्वायर को तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अब तो यहां से बच्चे लोग इंटीग्रेशन सिंपल हो गया ना, यहां से इंटू कर दो वाई स्क्वायर वाई के पावर सिक्स वाई के पावर फोर, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका वाई स्क्वायर का वाई के पावर थ्री बाई थ्री हो सकता है ना, फिर यहां पे क्या लिखोगे वाई के पावर सेवन बाई सेवन, यहां पर क्या लिखोगे वाई के पावर फाइव बाई फाइव, और लास्ट में कुछ नहीं करना, जहां जहां वाई है यहां पर साइन एक्स रख दो, ये हो गया आंसर, और सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके पास जितने इवन और ऑड के क्वेश्चन है बस।